हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पिस्टन हाउस। सो गाइस, आज की वीडियो थोड़ी सी सैड होने वाली है, कॉज हमारे होंडा सीवी 300F की जो रियर रिम है वो हो चुकी है बेंट। वेट, लेट मी शो यू। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो हमारे होंडा सीवी 300F की रियर रिम बेंट हो चुकी है गाइस। एंड गाइस, आज की वीडियो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये बेंट कैसे हुआ, कब हुआ एंड कितना ज़्यादा बुरा है ये। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्ट वीडियो, फिर लाइक टुडेज वीडियो, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये बेंट है ये एक मेजर बेंट है या फिर नहीं है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, जो हमारा ये बेंट है, ये देखो, ये मेजर नहीं है। मीन्स जो ये टायर प्रेशर है ना, इसमें कोई भी इशू नहीं आ रहा है, जो एयर है ऐसा कोई भी लीकेज वगैरह नहीं कर रहा है यहाँ से। इट मीन्स कि ये एक माइनर बेंट है। बट गाइस, जो ये माइनर बेंट है ना, ये फ्यूचर में बढ़ सकती है। वो कैसे, ये वीडियो के आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये हुआ कैसे। तो गाइस, रिसेंटली हम लोग एक छोटी सी राइड पे गए थे एंड मेरा फ्रेंड ये बाइक राइड कर रहा था। मीन जिसकी ये बाइक है वो इस बाइक को राइड कर रहा था एंड उसका स्पीड था अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर। एंड लाइक एक बहुत ही छोटा सा पॉट होल आया। मीन्स हम लोग हाईवे पर राइड कर रहे थे, तो आप सोच के देखो कि वहाँ पे कैसा ही पॉट होल होगा। गाइस, बहुत ही छोटा सा पॉट होल था। लाइक जो उस पॉट होल की डीपनेस थी वो ज़्यादा नहीं थी, मतलब ज़्यादा डीप नहीं था। सो गाइस, जैसे ही मेरे फ्रेंड ने उसको क्रॉस करा, उसको थोड़ा सा जॉक फील हुआ। बट गाइस, वहाँ पे जो हमारा फ्रंट व्हील था वो तो सर्वाइव कर गया, बट वहीं पर जैसे ही रियर की बारी आई तो गाइस जो रियर रिम था वो बेंट हो गया। गाइस, आप सोच सकते हो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, एक छोटे से पॉट होल में, इस बाइक का जो रियर रिम था वो सर्वाइव नहीं करा। गाइस देखो, मैं नॉर्मली KTM की बाइक्स बहुत टाइम से राइड कर रहा हूँ एंड गाइस मैंने 80, 90, 100 की स्पीड में भी अच्छे खासे डीप पॉट होल में उसको क्रॉस करा है, बट आज तक कभी भी कोई इशू नहीं हुआ। बट गाइस, वहीं पर होंडा का आप देख लो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जो इसका रियर रिम था वो बेंट हो गया। तो आप सोच सकते हो कि जो बिल्ड क्वालिटी है इस बाइक की वो कैसी सी ही होगी। सो गाइस, इस चीज़ से लिटरली मुझे थोड़ा सा इशू हुआ। एंड गाइस देखो, पॉइंट ये है कि अभी तो ये कोई बड़ा बेंट नहीं है, लाइक कोई भी लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है। बट गाइस, अगर सेम इम्पैक्ट इस पर दोबारा आए तो गाइस ये पक्का, जो ये आप देख सकते हो जो इसका डीपनेस है वो बढ़ जाएगा। मीन्स ये ज़्यादा डीप हो जाएगी, उसके बाद जो एयर लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम है वो हो सकती है। अगर अभी ऐसा माइनर है तो इट डजेंट मीन कि ये फ्यूचर में बढ़ने वाली नहीं है। गाइस 100% बढ़ेगी अगर इस जगह पे फिर से इम्पैक्ट आएगा। गाइस दैट्स इट, यही एक सबसे बड़ा इशू है इसका, जिसकी वजह से मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इशू आया। कॉज जो ये प्रॉब्लम है ना, इसको आप अंडर वारंटी फिक्स नहीं करवा सकते हो। इसको फिक्स करवाने का एक ही तरीका है, या तो आप किसी थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर में जाकर के इसको फिक्स करवा लो, जिसको जुगाड़ू फिक्स कहते हैं, या फिर आप इसका इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। कॉज वारंटी में ये पार्ट कवर्ड नहीं होता है, कॉज ये नॉर्मल आपके नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। मीन्स आपने प्रॉपरली राइड नहीं करा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। कंपनी आपको यही कहेगी अगर आप वारंटी में क्लेम करोगे तो। बट वहीं पे गाइज, अगर इंश्योरेंस वगैरह में करोगे थोड़ी प्रॉब्लम आपको होगी, बट गाइज ये चीज़ फिक्स हो सकती है। बट गाइज, यहीं पे सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि होंडा एक रिनाउंड ब्रांड होने के बावजूद, एंड गाइज एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है, इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है बिल्ड क्वालिटी को लेकर के जो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। गाइज, मैंने हज़ारों बार बता रखा है, जो इस बाइक की प्लास्टिक क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है। बट वहीं पे सेम लाइक जो एलॉयज वगैरह है, इसकी तो एटलीस्ट क्वालिटी थोड़ी सी अप हो सकती थी, बट गाइस इसमें भी होंडा ने कॉस्ट कटिंग करा है। एंड गाइस सीरियसली, ये चीज़ बिल्कुल भी होंडा से एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट गाइस उन्होंने ऐसा करा है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप ओन करते हो होंडा सीवी 300F, तो प्लीज़ आप पॉट होल्स वगैरह पे थोड़ा सा केयरफुल रहना, अदरवाइज आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। गाइस, मेरा तो थोड़ा कम हुआ, कॉज मेरे बाइक की जो स्पीड थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। मे बी आपका जो लॉस हो इससे बड़ा हो, इसकी वजह से प्लीज़ आप जब भी इस बाइक को राइड कर रहे हो तो आप ध्यान रखना कि कोई पॉट होल्स वगैरह ना आए। और अगर आपको पता है कि उस रोड पे पॉट होल्स वगैरह है, तो आप ये भी ध्यान रखना कि आपको अपने बाइक की स्पीड है वो थोड़ी कम रखनी है, जिससे आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो गाइस, इस वीडियो का पर्पस यही था कि अगर आप होंडा सीवी 300F ओन करते हो तो आप वो गलती मत करना जो मैंने करा, और लिटरली ये एक अच्छा खासा मेरा नुकसान हो गया। गाइस, इंश्योरेंस पे क्लेम करने के बाद मैं इसको सॉल्व तो करवा सकता हूँ, बट फिर भी गाइस इंश्योरेंस क्लेम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, इसी की वजह से आप थोड़ा ध्यान रखना जिससे ऐसी प्रॉब्लम ना हो। एंड गाइस, अगर कोई होंडा के ऑफिशियल्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ गाइस थोड़ा सा इस बाइक की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दो, कॉज ये लिटरली बहुत ज़्यादा वाहियात लगता है। लाइक जो सस्ते बाइक्स वगैरह होते हैं ना, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बट गाइस आपकी एक प्रीमियम सेगमेंट बाइक होने के बावजूद ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो प्लीज़ होंडा, फिक्स दिस एज सून एज पॉसिबल। तो गाइस, होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड फिर से मैं बोलूंगा कि अगर आप इस बाइक ऑन करते हो तो प्लीज राइड केयरफुली। तो इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन, बाय बाय।